सन्मान योग गुरु रूप सत्संग योग फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी जप है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पहली बाणी का नाम जाप है। दसम ग्रंथ की पहली बाणी जाप है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, सारे धार्मिक कर्म जप तो बिना निष्फल समझ ले, व्यर्थ समझ ले। और कलगीधर पिता कहने जागत जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक ना आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान दयात संयम एक बिना ने एक पछाने, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस ताहिन खालिस जाने, उसनों ही खालसा करके जानो, शुद्ध करके जानो, पावन करके जानो, जो जागदी जोत दा जप कर रहे है। हुण ध्यान नाल सुनना, सेवा करने इतना औखा नहीं है, जप औखा है। कीर्तन कथा करना इतना औखा नहीं, जप औखा है। पाठ पूजा करना इतना औखा नहीं है, जप औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख उम्मीद नहीं 8 मिनट जप कर सके। 8-8 घंटे कीर्तन करने वाला मनुख मैनू उम्मीद नहीं 8 मिनट जप कर सके। 10-10 घंटे पाठ करने वाला मनुख मैनू उम्मीद नहीं जप कर सके। एक बाणी पढ़नी आती है, एक बाणी जपनी आती है। पढ़न की अपनी महिमा है, पढ़ना इस वास्ते बाणी याद होवे, पढ़ना इस वास्ते बाणी कंठ होवे, पढ़ना इस वास्ते है कि बाणी का बोध होवे, बाणी याद होवे, अर्थ बोध का पता चले। पर जपना इस वास्ते बाणी का रूप हो जाइए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। जप पर गावो पढ़ो सुनो नित भाई, गुरपूरे तू राख्या गा पढ़। पढ़ना है याद करने वास्ते, पढ़ना है अर्थबोध नो समझण वास्ते, गावना है जपना है बाणी दा रूप होने वास्ते। हुण मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक जगत का कोई कर्म भी इतना औखा नहीं। तीर्थां ते जाना, तीर्थां दा इशनान, पाठ पूजा, दान सेवा इतना औखा नहीं, जपना ही औखा है। और गुरु नानक आप कहते हैं, आखण औखा साचा ना, यही औखा है, यही कठिन है। सब कुछ थानू धार्मिक जगत विच मिलेगा, पाठ पूजा कथा कीर्तन सेवा दान पुन सब कुछ मिलेगा, जप। और जप विच किसी नु सफलता मिली होगी करोड़ों च एक अद्ध। गालबन मैनू 42-43 साल हो गए कथा करदे, बचपन तो मैं इस लाइन विच चलिया, तो अज तक दी मेरी जिंदगी दा निचोड़ है किधरे 2-4 शहरां तो बाद एक रसक पुरुष, एक जुड़ी हुई आत्मा लभदी है। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुरमाए, चंदन दा दरख्त हर जंगल विच नहीं है, किधरे किधरे। जुड़ी हुई रूह हर शहर विच नहीं है, किधरे किधरे, किधरे किधरे। ते हुण तुसी आखोगे इतनी औखियाई की है, की औखियाई है। बस इस विचार नूं अज सरवण करा के कल तो फिर विचार की कुछ रूपरेखा बदल दें, ताकि कुछ होर पहलुआं का भी पता चले।
जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक नान है। प्रथम उस जप तो बिना मन विच कुछ होर ना होए। जवान वाहिगुरु करे मन उस नाल सन शामिल होवे, मन विच ओही एक होवे वाहिगुरु भाव। मन सुने जबान जपे। हुण इसका जो तात्पर्य है सारा विस्तार मैं इस थोड़े जिहा समय थोड़े सामने रखा। जिस वक्त मनुख के अंदर बोलन का ख्याल पैदा होंगे ना, मैं बोलना है या जपना है, बोलना है, हवा नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल। नाभि नूं भारत विच ध्वनि कहिंदे ने, ध्वनि धुन, ध्वनि ध्वनि क्यों कहिंदे ने, आवाज इत्थों उठदी है। जैसे खाणियां चार ने ना, अंडक जेरज सेतज उद्भुज, सब तो वड्डी खाण अंडे ने जिस तो जीवन पैदा होंदा है, पंछी पैदा होंदे ने, समुद्र के बहुत सारे जंतु अंडिया तो पैदा होंगे, कीड़ी मच्छर ये सब अंडिया तो पैदा होंगे, सब तो वड्डी खाण है अंडे। जेरज सेतज उत्बुज, फिर उत्बुज ये बनस्पति जमीन तो जो पैदा होंगे बनस्पति, ये दूजी खाण है। तीसरी खान स्वैतज पसीने तो जो पैदा हो जाए, जुआ चिचड़ चम चिचड़, ये मैल पसीना ते मैल दे मिश्रत तो जीव बन जाता है। ये तीजी खान है पंछियों नू चौपाए जानवरों नू और मैले रहने वाले मनुखा नू भी चम चिचड़ जुआ हो जाती। चौथी खान है पेट तो पैदा होते हैं जड़े पशु ने मनुख ने, अंडज जेरज सेतज उत्बुज, ये चार खाणिया ने। हुण मैं अर्ज करा बाणिया भी चार ने, परा पसंती मधमा बैखरी, परा पसंती मधमा बैखरी। मैं तत् सार निचोड़ अज थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। इतिहास विच मेरी रुचि नहीं है, शुरू तो नहीं है, बचपन तो ही नहीं है, भावें मैं समझदा कौमां ओही जिंदियां रहिंदियां ने जिन्हां दा इतिहास होवे। इतिहास शकल सूरत है पर सिद्धांत रूह है। जे रूह ही नहीं तो शकल सूरत कित्थे रहनी है। मुर्दा अगर रूह निकल गई तो किन्ने दिन तक रखांगे, आखिर मिट्टी होवेगा जलेगा। गुरबाणी रूह है, ये बुनियाद है, ये मूल है। बाणिया चार ने, खाणिया चार ने, जिहड़िया दो खाणिया ने जेर ते अंडे, इन्हां तो जिहड़े पैदा होंदे ने इन्हां कोल आवाज है, पंछियां कोल आवाज है, पशु ते मनुखां कोल आवाज है, ये जेर तो पैदा होंदे। उत्बुज और स्वैतज जो है चमचिचड़ है ते वनस्पति है, इन्हां कोल आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, इन्हां कोल धुन नहीं है। लख भी यतन करिए दरख्त नहीं बोल सकते, लख भी यतन करिए कीड़े कुछ मकोड़े जुआ चिचड़ इन्हां कोल आवाज नहीं है। आवाज उन्हां कोल है जो अंडिया तो पैदा होंदे ने, आवाज उन्हां कोल है जो जेर तो पैदा होंदे। चौपाए जानवरां कोल है, पंछियां कोल है, फिर मनुखां कोल है, आवाज है। पर आवाजां विचों प्रधान आवाज है मनुख कोल, सब तो मनुख कोल। क्यों? ये अपनी आवाज नूं अल्फाज दे सकदा, अपनी धुन नूं अक्षर दे सकदा है, जबकि पंछी ते पशु अपनी धुन नूं अक्षर नहीं दे सकते।
गर्ज है शेर दे कोलों, पर इसके अलावा और कुछ नहीं। भौंकना है कुत्ते कोल, और कुछ भी नहीं। कूकू है कोयल कोल, और कुछ भी नहीं। काए काए है कौवे कोल, और कुछ भी नहीं। पर काए काए तो, कूकू तो, भौंकण तो इतना पता चल जाता है, कुत्ता है, ये कोयल है, ये कौवा है। पर मनुख कोल जिहड़ी आवाज है, ये अल्फाज दे सकदा है, जो धुन है ये अक्षर दे सकदा है। इस वास्ते मनुख बहुत कुछ दस सकदा है, बहुत कुछ सुन सकदा है, क्योंकि अक्षर ने, और सारा ज्ञान ध्यान अक्षरा दे च। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा सिर संजोग वखां, सारी खेड ते अखरा ते खड़ी है। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, भगत कबीर कहंदे ने, तीन लोगों का ज्ञान अखरा दे च बंद है। अखर खोलिए मनुख दे कोलों तो आवाज रह जाती है, तो आवाज तो इतना पता चलेगा बस मनुख है, आ आ कर रहे है मनुख। जैसे कूकू तो पता चल रहा है कोयल है, जैसे गर्जन तो पता चल जाता है शेर है, तो ये आवाज मनुख दी बंदा है, और कुछ नहीं पता चलेगा। तो मनुख दे कोल अक्षर ने आवाज है, अल्फाज है। संसार विच जो संबंध ने, ये बोल के जुड़ते ने, वेख के नहीं जुड़ते। तुसी किसे नू वेखो, कोई रिश्ता नहीं जुड़ता, बोलन नाल जुड़ता है। जिथे संबंध हो, बंदा कहिंदा साडी इत्थे बोल चाल है, जिथे ना हो कहिंदा इत्थे साडी बोल चाल नहीं है। हुण आप सुन के हैरान होवोगे, मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, वेख के कुछ नहीं पता चलता बंदे का, ये मूर्ख है, सियाणा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, धार्मिक है, अधार्मिक है, कुछ नहीं पता चल रहा। बोल दे पता चल रहा है, कुछ गलबात कर दे पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। 90% मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां तो, बोल दस देंदे ने बंदा शांतमई है, बोल दस देंदे ने क्रोधी है, बोल दस देंदे ने मूर्ख है, बोल दस देंदे ने सियाणा है, बोल दस देंदे ने धार्मिक है, बोल दस देंदा है अधार्मिक है। बोलां तो पता चल जाता है राजनीतिक है, बोलां तो पता चल जाता है कारोबारी है, बोलां तो पता चल जाता है भगत है, बोलां तो ही पता चल जाता है मकार है, बोलां तो पता चल जाता है रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। बोलत ही पहचानी है, साध असाध को ठाट, अंतर की कर नहीं सवे, निकसे मुख की बाट। देखदिया कुछ नहीं पता चलता, देख के इतना पता चलेगा रंग कैसा है, काला है, गोरा है, सांवरा है, कपड़े की पाए ने, उम्र कितनी है, बच्चा है, जवान है, बुढ़ा, बस इतना पता चलता है, स्त्री है कि पुरुष है, बस इतना पता चलता है, और कुछ नहीं पता चलता। वेख के कुछ भी नहीं पता चलता, बोलदिया ही पता चलता है, उन्हें नहीं कुछ पता चलता। तो बोल के संसार नाल संबंध जुड़ते ने, अखरा सिर संजोग वखाण, आवाज नू अक्षर दे दईए, संजोग जुड़ते ने, रिश्ते जुड़ते ने, संबंध बनते ने। बोल बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ता है, बोल बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, पर वो बोलना कैसा है कि मनुख परमात्मा दे प्यार दा पात्र बन जाता है और परमात्मा प्रगट हो जाता है, वो बोलना कैसा है। बस वो मैं इस थोड़े दिया समय थोड़े सामने रखन लगा। जिथे खाणिया चार ने, बाणिया चार ने, बोलन का जब मनुख दे अंदर ख्याल पैदा होंदा है, तो हवा टकरांदी है, पवन टकरांदी है नाभी नाल, नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है तो उत्थों उठदी है आवाज, उस आवाज नूं कहिंदे ने परा। परा आवाज है, अल्फाज कोई नहीं। यह आवाज हिरदे तक पहुंचती है, इत्थे इसनूं अल्फाज मिल जांदे ने, अक्षर मिल जांदे ने।
वो फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाती है, मधमा कह देना है। हृदय तक पहुंचती है पसंती, कंठ तक पहुंचती है मधमा। जबान बयान कर देती है, इनू कहते ने बैखरी। परा पसंती मधमा बैखरी, बैखरी जो बाहर प्रगट हो गई, मधमा जो कंठ विच रह गई, पसंती जो हृदय च रह गई, परा जो नाभि तो उठी है, नाभ तो उठी है। नाभि एक सांस की तरह है, जैसे कुछ सांस ऐसे ने पवन दे फूकण नाली बजदे ने, उन्हें मुरली है, नरसिंगा है, संघ है, फनेरी है, और इस तो इलावे ये हारमोनियम है, हवा देव ते बजेगा उन्हें। नाभि नाल भी हवा टकराए ते बोल निकलदा उंज नहीं। देही माटी बोले पवन, बोलना पवन करके है, पानी करके बोलना नहीं आता। पानी तो मुर्दे च भी पिया आता, बोलना खत्म नहीं पिया बोलता, क्योंकि पवन का धागा टूट गया। मिट्टी करके बोलना नहीं आता, मिट्टी लाश ते मिट्टी है पई है, किथे बोलना है। बोलना पवन करके आंदा है, हवा करके आंदा है। देही माटी बोले पवन, इस मिट्टी विच, इस पानी विच, इस सारे शरीर विच जो बोलन वाला तत् है, ये पवन है, हवा है, श्वास है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज पंज तत्तां विच पवन नूं गुरु कहिंदे ने। पवन गुरु, पाणी पिता, माता धरत माद। पवन ना हो तो बोलचाल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, आवाज नहीं होगी, अल्फाज नहीं आने। संबंध किस तरह मनुख जोड़ेगा? गुंगा मनुख संबंध जोड़न विच असमर्थ रहिंदा है। उहदे कोल आवाज है पशुआं की तरह, अल्फाज नहीं ने, धुन ते है अखर नहीं। गुंगे कोलो पुछिए तू कितों आया है, किथे जाना है, किसनों मिलना है, आ करदा है, बाकी कुछ नहीं। पंजाबी मुहावरे च कहिंदे ने गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां जाने, और कौन जाने, और कोई नहीं जाना, कुछ नहीं पता चलदा कि गुंगा की आखदा है। दास नाल इंडिया विच काफी लंबे समय तो एक मुसलमान चलता है, सदाम हुसैन उसका नाम, उसका शौक है गुरु घर नाल। पर रब जी ने घर का फिटकारिया होया इस वास्ते कि जबान कम नहीं कर दी थी, गूंगा। कई दिन बाद मैं उसका इशारा समझिया भी मैं थोड़े नाल रहना है, मैनू रख लो। वो कोई 10-15 साल का दास दे नाल है, दरबार साहब भी जाता है, कई दफा दरबार साहब तो सरोपा भी मिले, सेवा बहुत करता। लेकिन आज तक भी उसके इशारों का मैनू कख नहीं पता चलता, कई दफा खप जाता इशारे कर करके, मेरे पल्ले कुछ नहीं पैंदा, ती आखदा है, क्योंकि अल्फाज कोई नहीं, आवाज ते है, आ करदा है, अखर नहीं, अल्फाज नहीं ने। दास दे नाल एक होर सिंह है, वो बहुत कुछ समझ गए उहदे इशारिया। तो फिर मैं कई दफा उन्हूं अगे करदा भी कि की आखदा है, थोड़े जिहा कुछ इशारे ऐसे ने उहदी पकड़ च आ जांदे ने, मेरी पकड़ च नहीं आउंदे। गुंगे दे संबंध नहीं जुड़दे, गुंगे दे दोस्त नहीं आते, कारण बोल कोई नहीं, अक्षर नहीं है। गुंगे की दुनिया बिल्कुल सीमित रह जाती है। बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ते हैं, बोल बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं। बाबा बोल ना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे बोलन का ख्याल आवे कुछ भी बोलना है। पवन नाभी नाल टकरांदी है ते नाभ खुल जांदी है,
ते नाभी एक साज है, इहदे चों आवाज निकलती है। वो जिहड़ी आवाज निकलती है उहनूं परा कहिंदे ने। आवाज ते है, अजे विच अक्षर नहीं ने। जैसे हिरदे तक पहुंचती है उहनूं पसंती कहिंदे ने, ते अक्षर मिल जांदे ने। कंठ तक पहुंचती है ते पूरा वाक बन जांदी है, इहनूं मदमा कहिंदे ने। जबान बयान कर दें दी इहनूं बैखरी कह दें। चूंकि ये सारी धुन, ये आवाज जो जबान दे राही बार प्रगट हुई है, नाभी तो उठती है, इस वास्ते नाभी नूं कहिंदे ने धुनी। धुनी धुन ते इत्थों उठती है। हुण तुसीं आखोगे वाहिगुरु वाहिगुरु आखना औखा की है, फिर तो कह सकते हैं घंटा दो घंटा कह लवांगे। क्यों? गुरु नानक कहिंदे ने आखण औखा साचा नाम। औखा होने इस वास्ते है, वो जो धुनी तो जो नाभि तो धुन उठी है ते जबान दे राही बार प्रगट कीती है, इहनूं हुण वापस धुनी तक लै जाणा, वापस लै जाणा। जो बोल के शब्द बार प्रगट होया है, इहनूं हुण सुन के अंदर लै जाणा। तो बार प्रगट करना कोई इतना औखा नहीं है। इन्हों अपने घर विच लै जाना, फिर नाभि तक लै जाना, फिर धुनी तक लै जाना औखा है। तो तुसी करके देखना, कोई भी नहीं कर सकेगा। और जिहड़े कर लैंदे ने, बस असी उन्हां नूं कहिंदे आ संत ने, भगत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, ये आत्मदर्शी ने, समाधिलीन ने। ये समाधिलीन हो गए। मैं ये दो तीन टाइम संगतां नूं रोज कथा सुना लैना, पर इस विच मैनूं सफलता अजे तक नहीं मिली। यह मैं खोखी निर्माणता तुहाडे सामने नहीं रखना, किधरे निर्माणता मेरी ना समझ लेना, औखा है काम। घंटा ते दो घंटा भी कर लैंदा है मनुख, वाहेगुरु वाहेगुरु, बड़ी वाहेगुरु शब्द वापस फिर धुनी तक जावे, फिर नाव तक जावे, फिर ये जीवन का हिस्सा बने। जबान ने जो बार प्रगट किया है, ये इस तरह रोटी बन गई है। तो जी हुण ये वापस जाए तो इन समझ लो मैं रोटी खा ले। अक्सर ऐसा होंदा है, मनुख का समा रोटी कमाण विच, रोटी पकाण विच ही लग जाता है, खाण विच नहीं। जे खादी नहीं तो फिर भुख तो बनी रहेगी। मैं वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा, यह रोटी कमा रहा, रोटी पका रहा। पर जे मैं इसनों सुनना शुरू कर देता है तो मैं खा रहा। तो जे मैं खा रहा तो जैसे मैं भोजन खा रहा, भोजन अंदर जा रहा है, भुख बाहर निकल रही है। इस तरह अगर वाकई वो शब्द मैं सुन रहा तो शब्द अंदर जा रहे हैं तो दुख बाहर निकलणगे, पाप बाहर निकलणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। भोजन की बुरकी जैसे जैसे अंदर जाएगी दुख बाहर निकलेगी, गुरु का शब्द जैसे जैसे अंदर जाएगा दुख बाहर निकलेगा, पाप बाहर निकलणगे। ये पहचान है। पर सारी जिंदगी गुरुद्वारे आ रहे ने, दुखी ने, बेचैन ने, रोंदे हुए मिलते ने। अज तक तो मैं यही देखा, कदी कदाई कोई खुशकिस्मत अनुसार मिलता है, कोई खिड़ी हुई आत्मा, कोई जुड़ी हुई आत्मा। नहीं तो सब दी अपनी समस्याएं, सब दे ही अपने रोने। बस सिर्फ अगले नूं जरा खोलण दी देर है। हर बंदा दुखां दी पंड है, सवै दुखां तो कख भी नहीं निकलता, सब दुख। महाराज ताही कहिंदे ने, किस पे खोलो घंटड़ी दुखी पर आया। मैं अपने दुखां दी पंड किहदे अगों खोलां? क्योंकि मैं खोलण ही लगदा अगला पहले ही खोल के रख दिंदा है, ते दूजे नूं खोलण दा पता ढंग की है। अपना एक दुख दसो, उन्हें अपने सौ दुख बयान करने हैं, चुप ही नहीं करेगा। सियाणा मनुख अपना दुख बयान ही नहीं करता, उन्हें पता है मैं एक दुख सुनाया है, दस भी सुनने पैणगे, एवें वक्त जाया करेगा। तो सियाने बंदे चुप ही रह जाते हैं,
ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ? ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਗਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 90% ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਐਸਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ 8%, 9%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਛੱਡੀ। ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੋਹਾਏ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਖਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹੀ ਖਾਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾੜੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਗ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਰੋਗ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਰੋਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ,
वो सब रोगी समझ लो जिन्हों के अंदर भुख नहीं है, भोजन की भुख नहीं। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया हो 36 प्रकार का भोजन अगों रख दईए उन्हें चंगा नहीं लगता, उन्हें भुख भी नहीं है, बुखार ने भुख मार दी। बुखार भोजन की भुख मार देंगे ने, विकार भजन की भुख मार देंगे ने, नहीं रहती, नहीं जपेगा। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जबान ने वाहेगुरु वाहेगुरु जप लिया रोटी बन गई, जिदे अंदर भुख नहीं है वह भी रोटी कमा सकता है, रोटी पका सकता है, पर खाएगा तो वही भुख है। वाहेगुरु वाहेगुरु कई दफा वह भी कर लेंगे ने, भुख कोई नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, देखा देखी कर लेंगे। और मैं फिर अर्ज करा, शब्द कन्ना राही अंदर जाएगा, कि जिन्हों पड़ावां तो यह नाभी तो जबान दे राही बार प्रगट होया है, उन्हें ही पड़ावां राही ये वापस जाएगा। जबान राही बार प्रगट होया है बैखरी, पर ए पसंती परा मदवा इन्हों मार्गां चो लंघ के आया है। जो जबान बार प्रगट कर रही है, परा पसंती मदमा इन्हों तीन पड़ावां तो लंघ के आया है, इस शब्द नो फिर वापस इन्हों तिना पड़ावां तो वापस करना है, जिथों उठे है उथे वापस करना है। अगर मैं गहराई नाल सुन रहा, जबान उच्चारण कर रही है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और वाकई में गहराई नाल इसनु सुनना शुरू कीता है, और शब्द इतना गहरा चला जाए कंठ विच मधवा, अगर इत्थे तक चला गया है, इतना गहरा चला गया है, ऐसे बंदे नू वाहेगुरु वाहेगुरु आखण विच रस आएगा, स्वाद आएगा, ये पहली पहचान, स्वाद आएगा, बाणी पढ़दिया रस आएगा, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया रस आएगा, बेरसी नाल नहीं आखेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहिंदे ने इक्को ही दफा राम कहिंदे सन जुड़ जांदे सन, इतना बिरहा इतना बैराग दोबारा कहिण दी लोड़ ही नहीं पैंदी सी, जुड़ जांदे सन इक दफा। बाबा अतर सिंह बारे भी इस तरह दीआं गल्लां ने, डिस्ट्रिक्ट बन्नो दे संत भगत सिंह सन, उन्हां दी भी यही महिमा सी, उन्हां दे सामने तो कोई दूसरा भी उच्चारण कर देवे वाहेगुरु, उन्हां दी स्रोत बड़ी तिखी, सुन के बिस्मादमई हो जांदे सन, रस नाल भर जांदे सन, स्रोत बड़ी तिखी, सुर शब्द नाल जुड़ी हुई, एकाग्रता बड़ी। हुण मैं अर्ज करां, यही औखा है कि शब्द अंदर जाए। भोजन की बुरकी मूंह च पई रहे, थले ना हो, भुख नहीं मिटती। वाहेगुरु वाहेगुरु मैं जप रहा, मैं सुनिया ही नहीं, ये अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, दुख नहीं मिटेगा, पाप नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे, दुख भी बने रहेंगे, पाप भी बने रहेंगे। अगर ये कंठ तक पहुंच गया रस आएगा, इसे नु नामदेव कहने रसना गीदी बोलत राम, मैं राम आखदा रस नाल भर जाना। और इसे नु कहने ने परमात्मा एदी रसना दे वस गए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, एदी रसना दे वस गए। अगर होर गहरा जाए, होर पसंती हृदय तक चला जाए वो शब्द, क्योंकि जितनी गहराई सुनता जाएगा एकाग्रता वधदी जाएगी, शब्द गहरा जाएगा, ऐसा मनुख ब्रह्मंड देश परमात्मा का नाद सुनेगा, आवाज सुनेगा परमात्मा की जो व्यापक है, वो आवाज संगीतमयी है, गीतमयी है, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते रोग परिस्यों कईयन केते गावण। इस तरह का मनुख बैठा बैठा
पता नहीं कितनी तरह का संगीत सुनता है और साजां की आवाज सुनता है। अमीर खुसरो कहने छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। ऐ खुदा तेरा तो मैनू कुछ नहीं पता, पर तेरी आवाज का पता चल गया, मैं सुन रहा। ब्रह्मंड विच परमात्मा की आवाज गूंज रही है हर वक्त, हर वक्त परमात्मा वेख रहा है, हर वक्त परमात्मा सुन रहा है, हर वक्त परमात्मा बोल रहा है। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। उदा नाद ब्रह्मंड विच गूंज रहा है, उन्हों अनाहद नाद कहते हैं, वो सुनाई देने लग पैंदा है। बड़ा रस है उसके। इस तरह का पुरुष मैं एक सुल्तानपुर लोधी देखा, एक अमृतसर देखा, बीबी सी नौजवान बीबी की अवस्था बन गई, और तीन चार अमृतसर देखे, एक बुजुर्ग मैनू कानपुर भी मिले, उसकी भी अवस्था सी। किधरे मैं अनाहद नाग की कथा की थी दो तीन दिन, और मेरे को लाके रोंदिया कहन लगा भी मैं ते दो चार दिन डरिया रहा भी अंदर की हो रहा है, रस भी बड़ा आवे आनंद भी बड़ा आवे ते है कि कहने चंगा होया थोथों मैं सुन लिया ते परमात्मा की आवाज है, ते प्रभु की आवाज है। उदा चेहरा उदिया अखां दस दियां सन, वाकई कुछ सुन रहे है एवें नहीं। शब्द जो जबान दे राही बाहर प्रगट हो रहा है वह हिरदे तक पहुंच गया है, वो वापस कंठ तो लंघ के हिरदे तक पहुंच गया, पर अजे हुण परा तक पहुंचना, नाभि तक पहुंचना, धुन दा धुनी तक पहुंचना बाकी है। अभ्यास जारी रहे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और गहराई नाल सुनना होवे ते शब्द चला जाए धुनी तक नाभि तक, जबान चुप हो जाती है, नाभि पूरी खुल जाती है, और शब्द प्राणा दे चल पैंदा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा, जबान नहीं जपदी थी, लोड़ ही नहीं, शब्द चल पैंदा है, नाफ पूरी खुल जाती है। और हर वक्त जो असी श्वास लेंदे हाँ इसे दे टकराव तो उस अगम्य नाद नूं सुनदा है, वो रस माणदा है, और नाद दे खुलदिआं परम प्रकाश प्रगट हो जांदा है, जिसनों पातशाह कहंदे ने पूर्ण जोत जगे घटमे तब खालिस ताहिन खालिस जाने। नाद दो हालतां विच खुलदी है, एक मरण लगे अंतिम समय नाभी खुलती है, आखिरी प्राण नाभी विच है। कई दफा अखा चो प्राण चले गए तो अखा देख दिया नहीं, जबान चो चले गए जबान बोल दी ने, ओले ओले प्राण निकल दे। शरीर के जिस जिस अंग चो प्राण निकल जाते हैं वो शरीर का हिस्सा सुन हो जाता है, आखिरी प्राण नाभी विच है। जैसे ओ प्राण निकलता है कि जिहड़ी शरीर की हालत बनती है, महाराज कहिंदे ने हथ मरोड़े तन कभे स्याऊ होवा सेत, मुठियां बंद होंदियां दंदियां वजदियां कंबड़ी छिड़दी है उस समय, कि सियाणे कह दिंदे नाभी खुल गई, आज काल खुले तेरी गांठड़ी, गंढ खुल गई, नाभ खुल गई, शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म। एक तो मौत दे समय नाफ पूरी खुलती है, नाभि पूरी खुलती है, धुनी पूरी खुलती है, फिर जप करदे होया जिस दिन धुन धुनी नाल टकरांदी है ते धुनी पूरी खुलती है, उस दिन मन की मौत हो जाती है, होंदी है। मन मरे दात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए, मौत हो जाती है मन की। मन दे मरदिया अहंकार मर जाता है, मन दे मरदिया लोभ मर जाता है, मन दे मरदिया मोह मर जाता है, मन दे मरदिया क्रोध मर जाता है, मन दे मरदिया वासना जो है मर जाती है, प्रार्थना ही प्रार्थना अंदरों पैदा हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश अंदरों पैदा हो जाता है। इस तरह के बंदे नूं कहिंदे ने
यह हुण मन दे तलते नहीं जी रहा, मन मर गया, यह आत्मा दे तलते जी रहा। आत्म प्रकाश पूर्ण चानना पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताए ने खालस जाने। जितने चिर तक मन मरिया नहीं, इस मनुख का कोई भरोसा नहीं की कर बैठे। कहने ना मन का कोई भरोसा नहीं, मन मरे तात मर जाए। ये त्यागी होवे मन, लखां दा त्यागी हो सकता है, चोर बने ते कौड़ी दी भी चोरी कर ले। ईमानदार होवे ते करोड़ां नूं ठोकर मार देगा, बेईमानी कौड़ी ते भी बेईमान हो सकता है। और ऐसा देखिया गया, परोपकार करदे होया दुराचार कर बैठेगा, दान करदे होया बेईमानी कर बैठेगा, सेवा करदे होया कठोरता नाल बोल बैठेगा, पीती के ताए के पानी फेर बैठेगा। पर मन मरे धात मर जाए, मर गया मन, हुण ते परमात्मा दे तल ते जीवे। हुण इस दे चों बोलेगा परमात्मा, वेखेगा परमात्मा, जो कुछ करेगा वह परमात्मा मई है। हुण इहदी दृष्टि अमृतमई, हुण इहदे बोल अमृतमई, हुण इसका जीवना अमृतमई, हुण इहदी सारी क्रिया अमृतमई, क्योंकि जीवन जो अमृतमई हो गया। भगत नामदेव जी महाराज कहने, सत्तर दोए भरे अमृत सर, बिखको मार कढ़ाओ। मेरे जीवन दे चों सारी जहर निकल गई, मेरे जीवन दे शरीर दे खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा है। अमृत बाणी घटते उच्चरों, आत्म को समझाओ। मेरे बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई, जीवन अमृतमयी हो गया, ये खालसा हो गया, ये खालस हो गया। अमृत गुरु को छकिया सी, अमृत रूप हो गए। गुरु तो प्रेरणा लई सी, गुरु दा रूप हो गए। जप करना आरंभ कीता सी, अमृत रूप हो गए। दृष्टि अमृतमयी, वचन अमृतमयी, जीवन अमृतमयी। साहेब रहमत करन पूरन जोत जगे घट में, तब खालस ताहिन खालस जाने। ये जप तो बिना नहीं होवेगा। ते मैं थानू सरवण करा दिता है, औखा है। रोटी कमानी औखी नहीं, रोटी पकानी भी औखी नहीं, ते खानी औखी है। ते बाहर दे जगत च की है, कमानी औखी है, पकानी औखी है, खानी की है। कोई भी खा सकता है, खा लेंगे, खानी औखी नहीं है। पर इत्थे पकानी ते कमानी इतनी औखी नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु तो मैं कर ले, और मैं सुनना औखा है। सुना तो मैं छकया, नहीं तो नहीं छकया। और जैसे भोजन की बुरकी मैदे च जानी चाहिए, ताई पचेगी, खून बनेगी। ये जरा वाक वाहिगुरु है, ये नाभी तक जाना ही चाहिए है, दुनी तक जाना ही चाहिए है। ताई ते पूरन जोत जगमगाएगी, ताई ते मन मरेगा, ताई ते मन खालिस होवेगा, ते खालसा होवेगा। ये जो जीवन सिद्धांत सी, रूहानी नुकता सी, तुच बुद्धि अनुसार दास ने थोड़े सामने रख दिता है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणा च, सतगुरु थानू सफलता दे। जीवन दे अंत तो पहले असी खालिस हो जाइए, खालसे हो जाइए, गुरु कबूल कर लवे, परवान कर लवे, जीवन अमृतमयी हो जाए, सब कुछ अमृतमयी हो जाए, ऐसी साड़ी हालत बन जाए। बार बार सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।